हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उससे पहले आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कुछ डाटा भी मांगे जाते हैं आपसे, वो डाटा आपके पास होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं जब भी आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सबसे पहले आपको वहाँ से अपडेट मिलती रहेगी। लिंक मैं आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव वगैरह होते रहते हैं, तो इस बार क्या बदलाव वगैरह हुए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो सबसे पहले पे आपका दिख रहा होगा फादर्स पैन कार्ड, यहाँ दिख रहा होगा फादर्स पैन कार्ड और आधार कार्ड। अब ये क्यों लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है जिससे आपके फैमिली की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, ठीक है। जो SC और ST वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 2.5 लाख तक होता है, और इसमें भी देखिए इस बार बढ़त होने वाली है, हो सकता है कि इनका थोड़ा सा ज्यादा कर दिया जाए फिर से। और जो OBC और जनरल के बच्चे वगैरह होते हैं और माइनॉरिटी के बच्चे होते हैं उनकी सालाना जो फैमिली की इनकम है वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसमें बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो बदलाव होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बहरहाल ये जो आपका है ये फादर्स का जो आपका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड हो गया, ये इसीलिए लगाया जा रहा है विभाग के द्वारा कि हाँ इसकी फैमिली की जो इनकम है वो रियल में देखी जा सके कि हाँ इनके फैमिली की इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से कम है या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकम ज्यादा है और बच्चा फिर भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहा है, ठीक है। फिर कैंडिडेट का आधार कार्ड, आपको मालूम है कि आपका जो आधार कार्ड रहता है वो कंपल्सरी होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ तीसरा ऑप्शन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपका आधार कार्ड है जो उससे एक मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और वो ऑन होना चाहिए, ऑन का मतलब चालू होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का गुम हो जाता है, कहते हैं कि हाँ मेरे आधार कार्ड से तो मोबाइल नंबर रजिस्टर था लेकिन गुम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो आधार कार्ड है उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उसी पर OTP जाता है और OTP की सहायता से आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह फिलअप होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास एक जेन्यून सा कलिए कि ईमेल आईडी होना चाहिए, हालांकि ये ईमेल आईडी बहुत जरूरी नहीं होता है, लेकिन ईमेल आईडी भी आप बना करके और सेपरेट रख लेंगे, अलग तरीके से रख लेंगे, जब भी आप कहीं भी फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे किसी भी चीज़ का तो ईमेल आईडी को उसी ईमेल आईडी को आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिर आपके पास देखिए इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ देखिए इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, फिर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जात प्रमाण पत्र कहते हैं, जनरल के बच्चों को ये जात प्रमाण पत्र नहीं लगता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र। निवास की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं होता है, जब भी आप बनवाएंगे तो आय जात निवास तीनों एक साथ बनवा लेंगे कि बेटर रहेगा, कहीं अगर मार्क दिया जाए उसमें तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, और ये आपके पिताजी का रहेगा, जो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भूल के भी नहीं बनवाना है। जब भी आपको बनवाना है इनकम सर्टिफिकेट तो आपने आपको अपने फादर के या फिर मदर के नाम से बनवाना है, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप चाहें तो बनवा सकते हैं, तीनों एक साथ बनवा लेंगे थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए जब भी आपका कहीं भी रजिस्ट्रेशन होता है, अमल ये कि आप कक्षा 9 के स्टूडेंट थे तो आप इस बार 10 में पहुंच गए हैं, तो 10 में भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं UGPG किसी भी क्लास में है तो आपका वहां पे एडमिशन होता है, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे मांगा जाता है। फिर अगर आपने ये जो आपका दिख रहा होगा 9 पॉइंट एंट्रेंस एग्जाम रोल नंबर या फिर मार्क्स वगैरह दिख रहा होगा, ये उन बच्चों के लिए है जो किसी कोर्स वगैरह में कर लिए कि एडमिशन वगैरह लेते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक BA BSc MA MSc, अगर उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसका रोल नंबर चाहिए होगा, ये कुछ डाटा भी मांगे जाते हैं, और मार्क्स वगैरह चाहिए होगा कि हाँ आपने एंट्रेंस दिया था तो कितने में कितना नंबर पाया था, ये सारे डाटा उनसे मांगे जाते हैं। फिर आपकी फीस की यहाँ पे दिख रहा होगा फीस की रसीद नंबर, फीस मतलब क्या होता है, जब भी आपका कहीं पे एडमिशन होता है तो फीस जमा करते हैं, उसकी रसीद नंबर कि हाँ आपका यहाँ पे इतना फीस लगा है, फीस का रसीद नंबर यानी कि फीस की फोटोकॉपी वगैरह भी जब आप लास्ट में जमा करते हैं वो भी सारी चीज आपको जमा करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपका देखिए प्रीवियस ईयर का रिजल्ट, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से क्या मतलब है, आप किसी भी क्लास में मान लीजिए कि इस बार आप क्या कर रहे हैं, इस बार आप कक्षा 11 में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, तो कक्षा 10 का आपका रिजल्ट लगेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर में आप पास हैं या फिर नहीं, पास होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो पास हैं और कितने में कितना आपने पाया है ये आपका डाटा लगता है, और रिजल्ट की आपकी फोटोकॉपी भी लगती है। फिर लेटेस्ट फोटो आपके पास होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। बैंक आपके पास बैंक का पास हो गया, यानी कि एक बैंक अकाउंट कंपल्सरी होता है, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और जिस भी जिले में आपका कॉलेज है जहाँ पढ़ाई, जैसे घर छोड़ करके किसी और दूसरे शहर में जाते हैं पढ़ाई करने, तो वहाँ का आपका कह लीजिए कि
वहां का आपका बैंक पासबुक यानी कि वहां का आपका एक बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। और पैसा मैं बता दूं कि पैसा आपका एनपीसीआई जो भी बैंक अकाउंट होगा, एनपीसीआई के बारे में आपको अलग से जानकारी दे दूंगा, उसमें आपका पैसा किसी में आ जाएगा, लेकिन जहां भी आप जिस भी जिले में पढ़ने जाएंगे वहां उस शहर में आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और फिर डिजी लॉकर आईडी क्या होता है, कैसे बनाना पड़ता है, अब जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं मालूम होगा शायद कि डिजी लॉकर का आईडी क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपना वहां पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करके डिजी लॉकर पे देख लेंगे कैसे सारी चीजें होती है, क्या होता है उसमें, अलग से मैं आपको सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह और डाटा वगैरह आपको इस बार लगने वाले हैं, इसमें कुछ बदलाव होता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बदलाव हो जाए और आप डॉक्यूमेंट्स रेडी ही ना करा पाए, फिर स्कॉलरशिप की डेट चली जाए। तो स्कॉलरशिप की डेट वगैरह भी देखिए आने वाली है, जैसे आती है तो मैं आपको फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा, कैसे कैसे अपडेट करने होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, फॉर्म भरने का क्या तरीका होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे पिछली बार जल्दीबाजी कर दिए थे और क्या हुआ था, उनका जो फॉर्म है उसको विभाग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने फॉर्म को, छोटी सी लापरवाही होती है, छोटी सी गलती होती है, गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उनका पैसा वगैरह नहीं आता है। तो मैं आपको सारी चीजें बताते रहूंगा, आपको एक्स्ट्रा आगे चलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिल जाएगी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।